नॉर्डिक्स कंट्रोल ब्यूरो है वो भारत सरकार के अंदर में आता है। तो आगे यहाँ के जनमानस को भी जागरूक करेंगे कि हमें सहारनपुर के युवा इससे जुड़ी है और विशेष रूप से अपने बच्चों को हमें समझाना, क्योंकि बच्चे लोग बड़े इनोसेंट होते हैं। हमारे सहारनपुर में जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं वो यहाँ से पलायन कर जाएं, ताकि सहारनपुर में हमारे जो युवा हैं उन्हें किसी प्रकार की बुरी आदत न पड़े। और इसीलिए सहारनपुर में हमारा सहारनपुर नशा मुक्त सहारनपुर के नाम से एक अभियान की शुरुआत की जा रही है। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम अपने युवाओं को, अपने बच्चों को मोटिवेट करें कि वो नशे से दूर रहें। नशा बहुत खतरनाक चीज़ है। ये दो तरीके से चलाया जा रहा है, गांव में प्रधानों को मोटिवेट करके, शहरों में विद्यालयों में बच्चों से बात करके, अस्पतालों में पुलिस अधिकारियों के साथ सभी को ये जानकारी दी जा रही है कि हम सब मिलकर सहारनपुर को नशा मुक्त बनाएंगे। हम ये प्रयास करेंगे कि हमारे युवा जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हर तरह के नशे से बहुत दूर हों। जहाँ जहाँ ये नशे के फैलाने वाले लोग हैं हम उनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। हमने पुलिस अधिकारियों को, हमने जिला प्रशासन के अधिकारियों को, हमने उप आबकारी आयुक्त को और यहाँ तक कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी संपर्क करके ये कोशिश की है। हमने प्रधानों का सम्मेलन बुलाया है, जो पंजाब से ये काम, बुरा काम करने वाले लोग हैं वो शायद सहारनपुर हरियाणा के किनारे और प्रदेश के किनारे स्थान होने के कारण कुछ लोग यहाँ पर आए थे। अगर मेडिकल्स को स्टोर्स जो हैं वो इसमें सहायता कर रहे हैं, तो हमारी जो ड्रग की ऑफिसर्स की यूनिट और इंस्पेक्टर्स की यूनिट है, मैं उन्हें भी इस काम में लगाऊंगा कि वो भी छापा मारें। और अगर यदि कोई मेडिकल स्टोर इस काम में लिप्त पाया जाता है तो उसके लाइसेंस कैंसिल करने के और उसके खिलाफ़ कड़ी विधि कार्रवाई करें।